नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम नेत्र दर्पण के बारे में जानेंगे। नेत्र दर्पण में दो वर्ड्स आते हैं, नेत्र मीन्स आइज एंड दर्पण मीन्स नरिशमेंट। जिस प्रोसेस में आइज की नरिशमेंट होती है उसे नेत्र दर्पण कहते हैं। इंडिकेशंस, व्हेन पेशेंट सीज डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आइज, फोटोसेंसिटिविटी, ड्राइनेस ऑफ आइज, रफनेस ऑफ आइज, स्टिफनेस ऑफ आईलिड्स, फॉलिंग ऑफ आईलैशेस, स्क्विंट, डर्टीनेस ऑफ आइज, डिफिकल्टी इन ओपनिंग ऑफ आइज, ग्लूकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ऑन अ क्लाउडी डे, एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड सीजन्स, वरीज एंड एंजाइटी कंडीशंस, टायर्डनेस एंड गिडीनेस ऑफ आई, acute pain, inflammation, redness. Equipments, medicated ghee, marsh paste, black gram paste, cotton, syringe. Locus snehan and mrudu swedan, आंखों के अराउंड मसाज करना है और मृदु स्वेदन करना है। मृदु स्वेदन करने के लिए गर्म पानी में कॉटन को डीप करके उसे निचोड़कर स्वेदन करें या दोनों हाथों को रब करके उससे स्वेदन करें। स्नेहन एंड स्वेदन से आंखों के अराउंड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण नेत्र दर्पण में इस्तेमाल होने वाले घी का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। अप्लाई मार्श पेस्ट अराउंड आईज। मार्श के पेस्ट को आईज के अराउंड लगाना है। इसकी हाइट 1 से 2 इंच तक रखना है। आजकल नेत्र दर्पण के इंस्ट्रूमेंट्स स्पेशल गॉगल भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेडिकेटेड घृत। मेडिकेटेड घृत को आंखों पर डालना है। मेडिकेटेड घृत जो ज्यादा ठंडा और ज्यादा गर्म ना हो। घृत को गर्म करने के लिए गर्म पानी में रख के गर्म करें। अगर गैस पर डायरेक्ट गर्म किया तो वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, जिससे पेशेंट को नुकसान हो सकता है। इसलिए डबल बॉयलर मेथड से ही घी को गर्म करें। डबल बॉयलर मेथड के बारे में जानना हो तो हमने अभ्यंग मसाज वीडियो में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके देख लीजिए। आस्क पेशेंट टू ओपन एंड क्लोज आईज। पेशेंट को आंखें बंद और खोलने के लिए कहना है, जिससे घी का आंखों में अब्सॉर्प्शन हो सके। पेशेंट से 100 काउंट तक आंखें ओपन एंड क्लोज करवाना है। दोष एंड डिसीज अनुसार ये काउंट चेंज हो सकता है। ये काउंट पेशेंट को खुद से करना है। रिमूव घृत। काउंट कंप्लीट होने के बाद घृत को निकालना है। इसके लिए मार्श पेस्ट्री को नीचे से होल्ड करते हैं या सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। रिमूव मार्श पेस्ट। घृत को निकालने के बाद मार्श पेस्ट को निकालना है या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उसे निकालना है। क्लीन आइज विथ कॉटन। मार्श पेस्ट निकालने के बाद कॉटन से आइज को क्लीन करना है। नेत्र दर्पण के बाद धूमपान करते हैं, जिसमें नाक से धुआं लेकर मुंह से छोड़ना होता है, जिससे सिर में भारीपन महसूस हो रहा है तो वो नहीं होता है। आफ्टर नेत्र दर्पण। नेत्र दर्पण होने के बाद पेशेंट को इंसर्ट किया जाता है कि वो ब्राइट लाइट्स, वाइंड, स्काई, लुमिनस बॉडीज, मिरर्स से दूर रहे। मोड ऑफ एक्शन ऑफ नेत्र दर्पण। नेत्र दर्पण कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे। हमारे आईज में कॉर्निया है, जिसकी 5 लेयर्स होती हैं, जिसमें से एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम लेयर लिपिड सोल्यूबल, मतलब जिसमें से फैट सोल्यूबल ड्रग्स इजीली पास होते हैं। स्ट्रोमल लेयर वाटर सोल्यूबल होती है। अगर ड्रग और मेडिसिन का कंप्लीट पेनिट्रेशन करना है तो ड्रग लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक मीन्स लिपिड सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल दोनों नेचर के होने जरूरी होते हैं। नेत्र दर्पण के लिए मोस्टली
त्रिफलक रूप को यूज करते हैं, जिसे बनाने के लिए घी के साथ वेरियस मेडिसिनल प्लांट के डिकॉक्शन को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे त्रिफलक रूप में लिपिड सोल्यूबल एंड वॉटर सोल्यूबल दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, जिससे वो कॉर्निया के डिफरेंट लेयर्स में से अच्छे से पेनिट्रेट होते हैं और अपना रिजल्ट देते हैं। आज के इस वीडियो में हमने नेत्र दर्पण के बारे में जाना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।